Hi, today we will be talking about emotions and objects. We will be visiting various emotions through the association of objects. While doing this activity, the students go back to those experiences that have made them feel those particular emotions. So they're revisiting those memories and those emotions. As and when we will be doing this activity more often, we also be creating a bank of emotions, a bank of memories to come back to. Another important point, the association of object helps the students to not feel exposed and vulnerable and do not feel the weight of sharing something very personal. मुझे घूमना बहुत पसंद है, घूमता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो ऑब्जेक्ट है स्कूटी। मैं खुश तब होती हूँ जब मेरे रिजल्ट में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, ऑब्जेक्ट में पेपर। जब मैं अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक घूमने जाती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ऑब्जेक्ट में रिंग। जब मैं रिजल्ट आते हैं, मेरे पापा रिजल्ट सुनने जाते हैं, मेरे पापा रिजल्ट सुनकर खुश हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ऑब्जेक्ट में वॉच। मुझे खेलना बहुत पसंद है और खेल के मुझे खुशी मिलती है, जैसे ऑब्जेक्ट फुटबॉल। और मैं खुश तब होती हूँ जब कोई मेरे सामने मार खाने से बच जाता है, खासकर मेरे स्कूल में होता है, उसका होमवर्क पूरा नहीं होता तो मैं उसे कॉपी दे देती हूँ तो वो काम पूरा कर लेता है, उस टाइम मुझे ज़्यादा खुशी होती है, ऑब्जेक्ट में कॉपी। जब मैं किसी पार्टी में जाती हूँ और वहाँ मेरा मनपसंद गाना चल रहा होता है और वहाँ मैं डांस करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, ऑब्जेक्ट में ड्रेस। जब मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ऑब्जेक्ट में फ़ोन। मेरे पास कोई भी नई चीज़ आए जिसको देख के मैं खुश होता हूँ, उसमें वो चीज़ अच्छी है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट में मोबाइल। और मैं कोई अच्छा काम करती हूँ जिसके लिए मुझे शाबाशी मिलती है या फिर सब खुश होते हैं, ऑब्जेक्ट में पेन। जब स्कूल में टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ तो टीचर खुश होती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, ऑब्जेक्ट में पेन। जब मेरे मार्क्स मेरे रिजल्ट में बहुत गंदा मार्क्स आता है तब मुझे बहुत बुरा लगता है, ऑब्जेक्ट में रिवीजन। पापा मुझे किसी चीज़ की वजह से डांटते हैं तो मैं दुखी होती हूँ, ऑब्जेक्ट में क्रिकेट। जब भी मैं अपने घर वालों से किसी चीज़ को जिलाने के लिए जिद करता हूँ, अगर घर वाले मना कर दें नहीं दिला सकते तो मैं बहुत उदास होता हूँ, ऑब्जेक्ट वॉच। जब मैं अपनी कोई फेवरेट जगह पर घूमने नहीं जा पाती हूँ तो मुझे उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, ऑब्जेक्ट में बाइक। जब मेरी फैमिली मुझसे दूर चली जाती है और मैं नहीं जा पाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ऑब्जेक्ट में होम। जिससे कोई भी फैमिली मेम्बर अगर मेरी पर्सनल चीज़ छेड़ता है या छूता है, कोई देखता है उसे, तो मैं बहुत उदास होता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट में मेरी फेवरेट डायरी। जब मेरे रिजल्ट में कोई अच्छे नंबर नहीं आता ना, कभी कभी रिजल्ट हो गया या फिर टेस्ट पेपर हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे रोना आ जाता है, ऑब्जेक्ट में बैग। जब स्कूल में टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाती हूँ तो मैं बहुत दुखी होती हूँ, ऑब्जेक्ट में टेस्ट। जब मैं अपनी कोई भी चीज़ खो दूँ या तोड़ दूँ तो मैं बहुत उदास होता हूँ, ऑब्जेक्ट में बॉल। जब मैं किसी इंसान की ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और वो इंसान मुझसे गुस्से से बात करे तो मैं बहुत दुखी होती हूँ, ऑब्जेक्ट में फोटोस। जब मुझे कोई डांट देता है, मम्मी पापा भैया कोई डांट देता है तो मुझे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो जाती हूँ और मुझे बहुत बुरा फील होने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों डांट पड़ा, ऑब्जेक्ट में स्टिक। मुझे तब गुस्सा आता है जब मेरा कोई काम बिगाड़ देता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस टाइम, ऑब्जेक्ट में है यूनिस्टिल। जब मेरी गलती नहीं होती है और कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऑब्जेक्ट में टेबल। कोई भी चीज़ मगर अपनी बहन को बताता हूँ, शेयर करता हूँ तो वो घर में बता देती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऑब्जेक्ट टेस्ट। जब मैं कोई अपनी मनपसंद चैनल देख रही होती और कोई बीच में आके मुझे टोक देता है तो बहुत गुस्सा आता है, ऑब्जेक्ट में जीटीवी। जब भी मैं स्कूल में जाता हूँ
तो मेरे दोस्त मेरे साथ प्रैंक करते हैं, मजाक करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म। जब मैं कोई अपना फेवरेट सीन देख रही हूँ और मेरी मम्मी टीवी बंद कर देती है ना, या फिर पलक खींच लेती है, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। ऑब्जेक्ट में है टीवी। पीठ पीछे बुराई करता है तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऑब्जेक्ट में बैडमिंटन। जब मुझे किसी की मदद की जरूरत होती है और वो इंसान मेरी बात ना सुने तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऑब्जेक्ट में चेयर। और गुस्सा तब आता है जब मैं कोई काम बिगाड़ देती हूँ, और जब मैं बिगाड़ती हूँ मुझे खुद पे गुस्सा आने लग जाता है कि मैं ऐसा क्यों की थी। ऑब्जेक्ट में है पेंसिल। जैसे मैं कोई भी काम देर तक करता हूँ तो घर वाले मना करते हैं कि देर तक मत कर। ऑब्जेक्ट में टीवी। कोई मुसीबत में होता है या फिर कोई मुसीबत में उनकी मदद करने नहीं आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऑब्जेक्ट में स्टिक। जब मैं कहीं जाती हूँ और कुत्ता भौंकता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऑब्जेक्ट में कॉफी।